भावनाओं से अगर हम गाएंगे, भक्ति भावनाओं को जोड़ते हुए अगर हम संकीर्तन करेंगे, प्रज्ञा संगीत गाएंगे, तो वास्तव में हमारा मन भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान के सिद्धांतों से जुड़ जाएगा। तो ऐसा ही संगीत हम लोग सुनेंगे। पहले वो लोग जब इकाना पर गाते थे, मजीरा पर, खंजीरी पर संत तुकाराम जी गाते थे, तो कुछ बोले ने युग वाद्य यंत्र डबली डबली का प्रयोग किया। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डबली। डबली क्या है? रिदम का एक पार्ट है। जैसे लोग तबला बजा लेता है, कोई नाल बजा लेता है, आप गाते हैं ना, तो ऐसे भी आप टेबल पर बैठ कर गाते हैं, ये कोई नहीं कर, ठीक है। तो खंजरी और मंजीरा और तबला नाल का सपोर्ट ये क्या करता है, डबली करता है, ठीक है ना। तो इसमें अभी तो हम थ्योरिकल थोड़ा सा बताएंगे, आप इंटरनेट में हम आपको वेबसाइट बता देंगे, फिर आप उसको देख देख करके सीख सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा। लेकिन इंटरनेट में सीखेंगे आप, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको भेजना पड़ेगा लाइव, जैसे इसको पकड़ना है ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसा नहीं पकड़ेंगे, कमर से दिखा कर बैठ जाएंगे ऐसा, हाँ आप ऐसे बैठ जाइए अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। और थाली हो या डबली हो, आपके पास डायरी है अभी, जिसके पास हो वो निकाल लीजिए, ठीक है, कॉपी बुक है तो ऐसा निकाल कर देखिए। इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, फर्स्ट फिंगर को तर्जनी, इसको मिड फिंगर मध्यमा, इसको ऐसा रखें, प्लास्टिक की जो ये रिंग देख रहे हैं रिंग ऐसा रखें, बोल है उसके ऊपर ऐसा, ठीक है, ऐसा रखें, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, कमर से निकाल के बैठ जाएं। और फिर मुट्ठी जब बंद करेंगे, ठीक है, ये चारों उंगली है ना फिंगर, उसको जब हम बंद करेंगे, बंद करके प्लास्टिक की चादर से टच करते हुए, ठीक है, ऐसा देखिए मुट्ठी खुली, ये खुली हुई थी हाथ और इसको हम बंद किए ऐसा, स्प्रिंग की तरह, ठीक है, लूज नहीं, स्प्रिंग की तरह, तो क्या कहलाता है, घूम, क्या कहलाएगा, याद रहेगा, अब लिख लीजिएगा बाद में, इसको क्या कहेंगे ये, देखिए आप एक प्रशिक्षक, आपको टीचर बनना है, आपको सीखेंगे ही, आपको मान लिया जाए उतना उत्साह नहीं हो तो बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला सीखना है इसका। अब एक साथ याद करके मेमोरी करिए, एक कैसे बजाए थे, वह कैसे बजाए थे, अभी तो आप भूल सकते हैं, आपको हम पुस्तक दे देंगे, पुस्तक का नाम बता देंगे, आप उपलब्ध कर लीजिएगा यहाँ से, और इंटरनेट में भी बता देंगे वेबसाइट में कि कहाँ पर ये आपको निकलेगा, ठीक है, देख के बजा सकते। अभी एक बार बजाएंगे, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4। बताइए आप लोग इतने पहले से जानते हैं ना संगीत के प्रति अभिरुचि है कि आज ही आप सीख लिए, बहुत बढ़िया, लेकिन इसको सीख करके भूलना नहीं है, अभी जाने के बाद फिर आप जब खाली टाइम में अकेले बैठ करके एक डायरी हो या थाली हो या कुछ भी हो उसमें आप निकालेंगे, क्योंकि अभी तो डबली है नहीं इतनी, जब व्यवस्था करेंगे तब आप बजाएंगे। अब देखिए इसी ताल पर आप गीत गा सकते हैं, किस ताल पर, ताल कहरवा पर, सिला में सबको एक एक दे दीजिए तो जहाँ तक पहुँच पाए, ताल कहरवा पर, हे गायत्री माता तेरी, देखिए हमारे पुष्कर भाई इसी ताल को बजाएंगे दुर्गुण लय में, तो आपको लग रहा है कि वास्तव में तबला बज रहा है, और देखिए सबसे बड़ी बात कि ताली बजाना, ताली बजाना भी आपको सीखना है, ताली लोग क्या होता है गाते हैं कभी ऐसे कभी ऐसे, तो बहुत ही सरल उपाय है, जब ये हमारे पुष्कर भाई जब भी बजाए हैं तो आपको एक नंबर और तीन नंबर में ताली बजाना है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
तीन पर, वन और थ्री पर, वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार, 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 पहले भाई लोग गाएं, भाई लोग की संख्या तो कम है, बहनें जागरूक हैं, ठीक है, तो भाई लोग केवल हम एक बार गाएं, फिर एक बार भाई गाएं, एक बार बहन गाएं, लिखा होगा, ठीक है, ready start, हे गाए की माता तेरी महिमा अपार है, जैसे तू सृष्टा है विश्व की, तू पोषक है सृष्टि की, तू सृष्टा है विश्व की, तू पोषक है सृष्टि की, मैं नहीं पतंगे सद्भावों की स्रोत है तू विवेक की ज्योति है, ये तो गाने वाले गाएंगे और दुराने वाले कोरस करने वाले, सद्भावों की स्रोत है तू विवेक की ज्योति है, ऐसा बस दो मिनट में खत्म कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सजग होकर के सीखिए, ठीक है, सद्भावों की स्रोत है, सब कर्मों के मूल में तेरा ही संचार है, महिमा जानकार हैं, इसलिए तुरंत सीख जाते हैं और गुरुदेव की शक्ति मिल रही है और एक दो बार तीन चार कल हम सुनेंगे सबसे, ठीक है, कल अब क्लास चलेगी, अभी के लिए शांति पाठ और युग संगीत, युग शिल्पी संगीत एक पुस्तक है हमारे यहाँ 5 रुपये की मिलती है, तो यहाँ भी हो सकता है, तो आप ले लेंगे, फॉर्मूला भी है, अभी शांति पाठ करते हैं, ओम।
हमारा अगला विषय है, इसको दोनों को इकट्ठा रखा है। साधना आंदोलन में हम सभी को ये समझाना चाहते हैं कि बिना साधना के जीवन का उद्धार नहीं है। बुरे लोगों का अनुकरण लोग करने लगते हैं, अच्छाइयों का अनुकरण जितना हो सके। और जैसे चोरी करनी हो तो उसके लिए आप इसको एकांत में करना चाहिए, है ना। चोरी करना हो तब सफलता मिलेगी, कोई ना देख रहा हो, किसी को पता ना चले। और मुहूर्त देखना है तो अच्छे काम में मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, लोग अच्छे काम में मुहूर्त देखते, अभी सब लोग सो गए कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। तब आप ये सब चौकड़ियाँ देख करके फिर आप चोरी कीजिए तो सफलता मिलेगी। ऐसा है, कहने का मतलब ये है अच्छाइयों का की छूट फैलनी चाहिए। परंतु जी गुरुदेव ये शब्द यूज करते थे, अच्छाइयों की छूट लगे, है ना, ये रोग लगा दो लोग अच्छाइयों का, है ना, आदेशों का, सिद्धांतों का। और उसका अनुकरण महाजना जटा सपन था, जिस दिशा में महापुरुष चले उनके पद चिन्हों पर दौड़ चले। तो ये है साधना आंदोलन के पीछे तथ्य, क्योंकि जब साधक हो जाता है तो साधक के जीवन में कोई फिर बाधक रहता नहीं, ठीक है। कोई बाधाएं होंगी तो वो अपने आप दूर हटती चली जाएंगी, क्योंकि साधक का जो डिवोशन होता है, बिना डिवोशन के साधक बनता नहीं, ठीक है। एक तो श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, एक विश्वास होगा, फिर उसके अलावा उसके अंदर जो एक टीस होगी वो टीस उसको बैठने नहीं देगी, सतत चलाएगी, उसको दौड़ाएगी और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ललायत कर देगी। अगर दिव्य बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, पावन बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, भावनाओं वाला, भावनाओं से उत्प्रोत हो जाएगा, उसके अंदर दिव्य भावनाएं पूरित हो जाएंगी, तो फिर वो अच्छा ही फैलाएगा। उसके पास जो है वही तो बांटेगा, उसको फैलाएगा। तो इसीलिए ये साधना आंदोलन बहुत आवश्यक है। और इसको साधना शब्द जो है उसके अंदर आप तीन चीज़ों को आप अंदर समावेश कर लीजिए तो और सरल हो जाएगा। और हमको जो गुरुदेव ने कहा ना, उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों चीज़ें उसमें होगी तब साधना पूरी होती है। ये तो हम बोलते हैं हम साधना करते हैं, मन क्या करते हैं, तीन माला जप लेते हैं, दो माला कर लेते हैं, हो गई साधना। इतना पूरा नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। और उसमें ये सारी चीज़ें साथ में आंदोलन जब करते हैं तो उसमें कई चीज़ें और लपेटनी पड़ेंगी जिससे आंदोलन सफल हो, नहीं तो आंदोलन अधूरा रह जाता है। तो उसमें उपासना के नित्य पूजा करें, ठीक है, और परमात्मा के पास बैठे, जिसके पास बैठता है उसके गुणात्मे आप सब लोग समझाते भी हैं, सबको अच्छी बात है। तो इसके अंतर्गत यही बात होनी चाहिए कि परमात्मा के पास बैठे, जो श्रेष्ठतम है उसके पास बैठे, जिससे उसके गुण हमारे अंदर आने लगे। तो इसमें एक चीज है, भगवान के पास बैठे तो कौन से भगवान के पास बैठे, कैसे भगवान के पास बैठे। हमारे घर में तो फोटो रखा हुआ है, हम उसके पास बैठ जाते हैं, ये नहीं हुआ। तो बैठने का भी एक तरीका है, हमको पहले तो समझना चाहिए कि भगवान वास्तव में है क्या। कोई फोटो तो नहीं है, कोई मूर्ति तो नहीं है। कई लोग बोलते हैं बस मंदिर है, रोज जाओ, रोज मंदिर है, रोज आरती करो, रोज प्रसाद खाओ, ये कोई ये नहीं हुई है ना। इसमें उपासना में आपको भगवान के पास जब बैठते हैं तो उसको समझिए कि भगवान है क्या। भगवान है सोर्स, है गॉड इज द सोर्स, सोर्स पावर, इंटेलेक्ट, नॉलेज, है वहाँ पर शक्ति भी है, वहाँ पर सद्बुद्धि है, वहाँ सारे सद्गुण हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, वर्च्यूज हैं, सारे सद्गुण हैं। वो तो भंडार है, वो एक समुद्र है, और समुद्र के पास कोई कमी नहीं रहती। एक लोटा उसमें भर लीजिए तो वहाँ कम थोड़ी हो जाएगा, तो
सोर्स है, सोर्स के पास कम नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अगर पूरे में से आप पूरा निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? पूरा ही बचेगा। ये गणित दूसरा है यहाँ पर, दूसरे सब खाली हो जाएंगे। ये खाली नहीं होता, ये भरा हुआ रहता है। गायत्री माता के पास सद्बुद्धि का भंडार है, और सद्बुद्धि आप ले लेंगे तो वहाँ तो कम हो जाएगी। इसलिए कई लोग इसलिए संकोच करते हैं, क्यों गायत्री सद्बुद्धि गायत्री माता की कम हो जाएगी? इतनी सारी उसके अंदर डिवोशन होता। अरे ऐसा मत सोचो, वहाँ भंडार है। जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, फिर क्या चिंता है? वहां तो घट ही नहीं रहा है ना, लूटा और लूटो और लूटा। ठीक है, तो इसमें हो गया उपासना। भगवान के पास बैठते हैं तो भगवान के गुण हमारे अंदर आते हैं, एक बात हो गई। और साधना में, साधना में क्या है कि कई लोग ये कहेंगे कि भाई साधना में क्या करें, कोई कहेगा साधना समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ उपासना है, फिर इधर साधना है, दोनों एक जैसा ही लगता है, ज्यादा फर्क है नहीं। साधना माने ठीक करना, ये सब समझ में आ जाए। ठीक है, साधना माने ठीक करना। जब हम किसी बंदर को साध लेते हैं तो बढ़िया करतब दिखाता है, कोई लायन होता है, कोई शेर होता है जंगल में, सबको फाड़ देता है, मार डालता है, खा जाता है। और उसी को यदि साध लिया जाता है तो सर्कस में करतब दिखाता है, कहीं तो पेट भरता है। ये क्या साध लिया? साध लेने से उसका सब पूरा ही सब कुछ बदल जाता है, वो नहीं रहता है जो पहले था। तो हमारे अंदर जो अनगढ़पन है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, वी हैव वीकनेसेस वाइसेस व्हाटएवर, उसको वी हैव टू गिव अप, उसको छोड़ना है, अच्छाइयों को बढ़ाना है, ये मूल उसका प्रयोजन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ आधार लेना पड़ेगा, वो है स्वाध्याय का। सबसे अच्छा आधार गुरुदेव जी दिया है, अच्छे विचारों के हम संग में रहेंगे तो हमारे मस्तिष्क में जब अच्छे विचार आएंगे। तो उन्होंने कहा मनुष्य जैसा सोचता है और फिर वो करता है वैसा ही वो बन जाता है, यही तो तरीका है। जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, फिर अच्छे बन जाएंगे। ये हो गई साधना, इस तरह से होगी, ये प्रोसेस आगे तब बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के विचारों को पढ़ना, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन सदा शुभ विचारों को करने वाला, शुभ संकल्पों को करने वाला, हमेशा अच्छे विचार ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे और बार बार करेंगे, बार बार हंगरी होगी तो फिर देखिए कैसा दिमाग जो है बदलने लगता है, हमारे विचार बदलने लगते हैं। जब विचार बदलने लगेंगे तो हमारा आचार भी बदलने लगेगा, हम करेंगे भी तो अच्छा, और हम अच्छा करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। कितना बढ़िया, एक ही तो सीधा सीधा प्रोसेस है, समझ में आ गया। तीसरा, आराधना। आराधना में हमको क्या करना है? सेल्फलेस सर्विस की बात है, बिना स्वार्थ के कुछ करना। कई लोग बोलते हैं हम तो बस, हमको पूरा हमने टाइम दिया है, पूरा हमने संविधान कर दिया है। कितना संविधान कर दिया? बस 3 महीना संविधान कर दिया। 3 महीने संविधान थोड़ी होता है, कोई कर सकता है? उसमें वो ऊँगता है, 6-8 घंटे तो ऊँग जाता है, है ना? 8 घंटे ऊँग गया, फिर उसके बाद वो जो है नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, फिर कहीं मॉर्निंग वॉक कर रहा है, कहीं आसन कर रहा है, पढ़ा है, उसमें ये सब करने में लसर पसर में 8 घंटा और निकल जाता है। तो अब 1 महीने का संविधान है या 3 महीने का संविधान है, उसमें 1 महीना बाकी रहता है। तो ये संविधान अहर्निश चलता है, अहर्निश आराधना, जहाँ मौका मिले, जितना अवसर मिल जाए बस उसको लूट लिया है। ज्यादा से ज्यादा सेल्फलेस सर्विस के लिए उद्यत रहें, मौका मिले सेवा का तो छोड़े हम बस, झोंक बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए अब जो है उसको लगाना है। देखो ज्यादा चिंता ना करें, वो इतना उसने तो इतना कर दिया, हमसे तो होता ही नहीं, हम तो नहीं कर सकते ना, हमको आता ही नहीं। जो आता है वो करो ना, जिसके पास जो है वही देना है, नहीं है वो देने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो करो, सीखो, हैं, अपनी प्रतिभा को बढ़ाओ, अपनी प्रतिभा को बढ़ाइए, अपनी पात्रता को विकसित कीजिए, जिससे अभीष्ट वस्तुएं सहज ही मिल सके, जो चाहते हैं वो सामने आ जाएगा। जिस तरह से समुद्र के पास
नदियां बिना बुलाए ही आ पहुंचती हैं। समुद्र को कहीं थोड़ी जाना पड़ता है, गंगा बहन आ जाओ, जमुना बहन आ जाओ, वो सामने से दौड़ती है। तो आपको तो ये है, अपनी पात्रता को विकसित करके चलो, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सीखो, है ना। आप प्रतिभा का विकास करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे, नहीं है तो रंज नहीं, कोशिश करनी। कर्मणीय वादी का रस्ते माँ फलेश प्रयत्न करते रहिए, जो फल मिलता है उसको उस पर संतोष भी करना सीखना चाहिए। असंतोष आ जाएगा तो फिर वो आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध उत्पन्न होगा। हमको ये रंज भी नहीं होना चाहिए, कोशिश पूरी होनी चाहिए। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। गुरुदेव के सूत्र को आप देखते जाओ, एक एक सूत्र कमाल का है, क्रांति कर देगा, जीवन को बदल देगा। तो ये करना है आराधना में समयदान का रास्ता। तो इसमें समयदान में अब क्या करें, अरे कुछ मत करो, गुरु जी कह रहे हो करो, खाली फॉलो ही तो करना है, कुछ दिमाग थोड़ी ज्यादा लगाना है। दिमाग लगाने वाले लगा दिया, अब वो इतना बड़ा वहाँ पुल बन रहा है और उसमें गड्ढा खोद रहे हैं, कौन, हम मजदूर हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। और थोड़ी देर में आए उसको बोले, अरे इसके ये इतना बड़ा ट्रक ले आए, इतना सीमेंट का क्या करना है, काय को सीमेंट ले आए तू, अरे ये लोहा, ये लोहे की जरूरत ही नहीं है, इसको वापस ले जाओ। अरे बेवकूफ, तू गड्ढा खोद, नहीं तो ये कैसे पुल कैसे बनेगा। पुल की चिंता मत करो, पुल तो बन जाएगा, तू गड्ढा खोद ना, तू गड्ढा खोदेगा तो पुल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमको केवल गड्ढा खोदना है, जितना बताया उतना करो, परिष्य वचनम तपो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो अपने हिस्से का काम है वो करते जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सारा युग निर्माण अपना ठेका मत लीजिए, वो उसके लिए इंजीनियर है, उसके लिए इंजीनियर है, उसने इतना सारा प्रोजेक्ट बना दिया, इतने सारे 3200 किताबें भी लिख के रख दी हैं, कोई बाकी नहीं रखा, और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसका प्लान कैसे करना है, सब करना है, करने वाले हैं, परमादरणीय डॉक्टर साहब हैं, आदरणीय जी जी हैं, ये उसका पूरा मैनेजमेंट कर, वो कह रहे हो इतना करते जाओ, काम खत्म। तो ये आराधना, थोड़ा समय निकालिए और अपने पास जो है, बुद्धि है, प्रतिभा है, प्रभाव है, उसका पूरा जितना कर सकते हैं। अपना खुद का बिगाड़ करके मत कीजिएगा, नहीं तो फिर व्यक्ति निर्माण नहीं होगा। व्यक्ति निर्माण को छोड़ देते हैं कई लोग, इतना छोड़ देते हैं कि बस लग गए, बस गुरु जी काम, वो बच्चे वहाँ भूखे मर रहे हैं, उधर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसको कोई प्यार देने वाला है, ना उसको कोई ज्ञान संस्कार देने वाला है, ना उसको दिशा देने वाला, उसे उधर घूम रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, बैलेंस करना है थोड़ा, ठीक है। एक तो अपनी आवश्यक, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। कई लोग बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते जाते हैं। एक भाई को कहा भैया आप चलो जरा हरिद्वार, इतना बड़ा जन्म शताब्दी का है, तो बोले इतना बड़ा मकान है, इतने सारे नौकर हैं, अब ये सब छोड़ के हम कहाँ जाएँ। मैंने कहा ये नौकर तुम्हारे लिए, मकान तुम्हारे लिए, कि तुम मकान के लिए और नौकर के लिए हो, कौन है नौकर, तो तुम बन गए नौकर के, नौकर तुम बन गए, मकान के भी नौकर तुम बन गए। अरे मकान तुम्हारा नौकर था और ये नौकर थे वो तुम्हारे नौकर थे, तुम उसके उल्टे उल्टे नौकर बन गए। तो ऐसा खड़ा करने की जरूरत क्या थी, जंजाल है ना, छोटा सा झोपड़ा होता बढ़िया, कोई चिंता नहीं, अपने जब चाहे हरदा चले गए, जब चाहे लौट आए। तो ये बहुत ज़्यादा जंजाल भी न बढ़ा, ठीक है। जितना है जरूरत है, अपनी आवश्यकताएँ कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं तो प्रसन्नता रहेगी, आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है उसको ज्यादा विस्तार ना, एक सीमा तक की, तो ये बात आती है थोड़ा सा। और बचेगा उतना ही तो लगाओगे आप, बचता ही नहीं, कहीं दीवेल बाकी रहे तो विजय पूरी शकाय, बद्दू एम लागी जे तू तो शू हो, विजय भगवान को दीवो तो नहीं बढ़े, पोता ना बढ़े आकर्षण। और रात भर बिस्तर बिछा रहे हैं भाई साहब, बिस्तर बिछा रहे हैं तो ये रात भर बिस्तर बिछाओगे सोगे कब, अब सोने की बारी आ गई है, इस तरह विचार है, पूरी रात लगा दी। अरे भाई क्या करना था, सोने के बाद पता भी नहीं चलता गद्दा कैसा है, वैसा है, ऐसा है ना, ये थोड़ा रॉयल गद्दा और लंबा चौड़ा पलंग है तो उसमें क्या है, अभी वो रेडिसन में रुके वहाँ पर पलंग इतना बड़ा हो तो उसी में नींद आए, ऐसा तो है नहीं। अरे टूटी खाट में भी, अरे नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे बासी भात, वो सब जंजाल है।
इतना मैं साइकिल में चलता रहता हूँ, मेरे को बोले कि आप साइकिल क्यों चलाते, अब तो स्कूटर लियो, अब तो लियो। मैंने कहा आप ले लो, और पेट्रोल का रेट बढ़ गया, कुछ दिन के बाद उसने साइकिल लिया। मेरे गुरु जी पहले बता रहे थे साइकिल चला है, और ये जंजाल सारा ठीक है। जंजाल जितना जरूरत है वहाँ ठीक है, जहाँ आवश्यक है वहाँ पर सब यूज करना चाहिए। एरोप्लेन भी आप यूज करो, कोई बात नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ साइकिल, जहाँ स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा करना चाहिए ठीक है। तो ये हो गया, अपने पास जो है उसको ज्यादा बचा करके लोक कल्याण में, लोक मंगल के लिए विसर्जित करें, लगाएं। ये सोचने का समय है, जन्म शताब्दी वर्ष है, आपको सोचने का अवसर दे रहा है ठीक है। और बहुत ज्यादा मत सोचना, इतना लंबा सोचने लगते हैं, प्लान बनाते ही रहते हैं, इंप्लीमेंट होता नहीं, और फिर उसके बाद शरीर ढीला हो जाता है, आँख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, हाथ काम नहीं करते, और पैर से चल नहीं पाते, कमर झुक जाती है, और थतू नसी तो थतू तू तेरे कम नहीं कही। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, बाकी क्या है यही। तो इसी तरह से ये हो गया साधना का क्रम। इसमें साधना आंदोलन, इसको गति देना है, इसको प्रचारित करना है। तो सरल शब्दों में इतना कह सकते हैं लोगों से कि गायत्री मंत्र का जाप करो, इतना आप लोगों को मोटिवेट करें, फिर धीरे धीरे गायत्री मंत्र से शुरुआत होगी, फिर इतना सारा विस्तार आप उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर सकते हैं, गुरुदेव की बुक्स भी दे सकते हैं, और उसके जीवन में परिष्कार के लिए उपासना साधना आराधना। अब तो आप लोग सब उसका लेक्चर करने लगे हैं, अच्छा अच्छा उसको ज़्यादा ज़्यादा करो और अच्छे से करते जाइए, इम्प्रेसिव करिए, जिससे लोगों के गले उतरती जाए। गुरु जी बोलते थे झकझोरने वाली वाणी मुखर करें, मैंने अंदर की हचमचाई ना कि मानस ने बदली ना कि लोगों को चेंज कर दे, अंदर से सोचने को मजबूर कर दे, ऐसा आप बोलना थोड़ा थोड़ा चालू रखेंगे तो हो जाएगा ठीक है। और इतना ज़्यादा मत बोलो कि फिर इससे चिपके हुए हैं तो दूसरे बोलते हैं अरे ये अकेले ही लगे हुए हैं, अपना उल्टी पूरी करेंगे, अरे छोड़ो। तो ऐसे ऐसे भी नहीं करना है कि किसी को फिर ज़्यादा उससे वो भी होने लगता है, अरुचि भी होने लगती है। एक सीमा में सब अच्छा लगता है, परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए। कभी मौका मिल गया, इतनी भीड़ फिर कब मिलेगी, इसलिए लगे रहो है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। ये मौका देख करके, समय देख करके, परिस्थितियाँ देख करके, सामने वाले रिसीव कर रहे हैं कि नहीं, वो उंगने लगते हैं, वो सो गए, धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए, एक बचा हुआ है भाई साहब। आप आखिरी तक आपने सुना है, बोले वो ऐसा है ना, महाराज जी का लेक्चर खत्म हो, मेरी चादर बिछी हुई थी ना, महाराज जी जिसमें बैठे थे, और वो जाए तो वो चादर लेके कर जाओ। तो इतना अधिक लेक्चर भी नहीं करना है कि आदमी को अरुचि हो जाए, है ना। और यज्ञ करने लगे तो बस वो पवित्रीकरण की व्याख्या में ही 1.5 घंटा हो गया, तो बाकी बाकी सब कब करोगे ठीक है। तो उसको बैलेंस करते हुए करना है, ये हो गया साधना आंदोलन ठीक है। अब आगे स्वास्थ्य आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन है। गुरुजी का कहना है कि हमारे सब बच्चे हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं तो 30 साल से गुरुजी से जुड़ा हूँ, तो फिर बीमार क्यों है भाई इतना सारा। गुरुजी ने तो इतना आपको सिखा दिया, इतना लिख दिया है कि आप सब प्रकार के डॉक्टर बन सकते हो, आप सब प्रकार के एलोपैथ आयुर्वेद होम्योपैथ सारा सब कुछ लिख दिया, नेचुरोपैथ सबके डॉक्टर आप बन सकते हो, और नुस्खे भी अच्छे अच्छे वो डॉक्टर नरम जी बताते हैं, ऐसा आपको मंत्र दूंगा आपकी जिंदगी बदल देगा। अरे आप भी वो कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात थोड़ी, वो सब गुरु जी लिखा हुआ है, आप करो ना। अरे टीवी वालों के चक्कर में बहुत जल्दी पड़े, ये गलत है। अब उसमें एक से एक लोग अब क्या क्या परोसने लगे हैं, वो तो ठीक है, चलो नरम जी तो ठीक कर रहे होंगे, लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं लोगों को। वो बोले कि आप जो है अंगूठी पहनो और इसके ये पहनो, उसके बाद श्री यंत्र ले लो, एक महालक्ष्मी यंत्र ले लो, और उससे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसके बाद आप जो है ना एक काम करो, ये नवग्रह का हो रहा है और राशि ये हो है, तो आपके आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसके बाद आपकी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, तो अजमेरी बाबा को फोन करो, 7 दिन में सब समाधान। अरे और दूसरा एक चीज और बोले, नजर उतारक यंत्र, माने ये क्या होता है, दृष्टि दोष नाशक यंत्र, किसी की दृष्टि बहुत लग रही है ना, नजर लग रही है, तो वो यंत्र लगा लो आप, नजर लगेगी, बस 14,000 डालो दे दो, काम करो, सस्ता है,
और एक और यंत्र है, उसका नाम है वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र। एक्सीडेंट कभी होगा नहीं, 500 की स्पीड में चलाओ और उसको चिंता मत कीजिए, पुलिस वाला पकड़ेगा, वो करेगा, जरूरत ही नहीं है, बिना बेल्ट लगाए भगम भग करो। आप देखो कितना सब कुछ छूट मिली हुई है, क्योंकि पुलिस वाले का जो रिमोट होता है वो पकड़ नहीं पाएगा, स्पीड वगैरह को पकड़ ही नहीं पाएगा, उसको फोटो कैमरा फोटो ही नहीं खींच पाएगा, इतने स्पीड से फोन करके निकल जाएंगे आप। तो कैमरे की खींचने की स्पीड से ज्यादा स्पीड में आप भगाओ ना, दौड़ाओ ना, एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं, चिंता क्या है। बेवकूफी की बातें हैं, अंधविश्वास और पाखंड फैलता चला जा रहा है, इसको भी तो खत्म करना, ये कुरीति उन्मूलन में आता है सब, ये इसको प्रश्रय न दें कभी भी, ये अंधविश्वासों को कहीं भी किसी प्रकार से, ये जीव जीव जिंदा रहेंगे ना, हमारे हमारे इस संस्कृति को ये नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, कितनी सारी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये ध्यान देना है आपको, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, कुछ ऐसे सूत्र लोगों को बताइए, डॉक्टर नरम जी से भी अच्छे हैं, कि आदमी बीमार पड़े ही पड़े ही क्यों, वो बीमार पड़ने के बाद दवाई की बात सब लोग बताते हैं, तो बीमार पड़े ही नहीं ये बताओ तो सारे डॉक्टर खत्म हो जाए, जरूरत नहीं है किसी की। तो स्वस्थ रहें, रित हो मित हो भित हो, गुरु जी ने कितने बढ़िया सूत्र दिए हैं, रित हो है? रित बुक माने ऋतु के अनुरूप भोजन करना चाहिए, ठंडी गर्मी इसके हिसाब से, बरसात जैसा भी है उसके हिसाब से, आप लोग जानते भी हैं, काफी लोग पुराने लोगों को मालूम भी रहता है कि अभी इन दिनों ये नहीं खाते, इन दिनों ये खाते हैं, ये सब क्लियर है। संक्रांत है तो चलो भाई वो तल साकड़ी खा लो, वो खा लो, है ऐसा सबको मालूम है। तो इस तरह से ये ऋतभुक, फिर मितभुक, मितभुक माने थोड़ा कम खाओ, ये इतना दुष्ट है ना ये मुँह जो है, ये भगवान ने बड़ा गलती की है, मुझे तो कभी कभी भगवान के ऊपर लगता है कि इनको एक चिट्ठी लिखे, एक क्या एप्लीकेशन लिखे कि आपने जो गलती की है उसको ठीक करो। क्या है गलती, क्या कर दी है उन्होंने, दो आँख दो कान और मुंह एक ही दिया, अरे उनको पता नहीं है कि आँख का कान का, आँख का और कान का तो एक एक कान, लेकिन मुंह के दो कान, खाना और बोलना, और वो दोनों ही ज्यादा करना पड़ता है सबसे ज्यादा, और उसके बिना चलता ही नहीं है। तो भगवान दो मुंह दे देते तो कितनी सहूलियत हो जाती है, कम से कम अगले जो है जो आए हैं उनको तो कम से कम ये मिले। भगवान ने गलती नहीं की, गलती हम लोग कर रहे हैं, उसको ठीक करें। भगवान ने दो आंख दो कान दिए हैं, मुंह एक दिया है, गुरु जी ने कहा इसीलिए ताकि आप देखे और सुने ज्यादा और खाए और बोले कम, गुरु जी ने बताया। कितना बड़ा सूत्र है देखो, तो इस सूत्र का काम करो, अपने आप तबीयत ठीक रहेगी। खाना जो दिन भर जो पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में सब डालते रहते हैं, बस इसी में डब्बा भर जाता है और फिर निकलने ना मिल जाता है, तो ठीक है। खाने पीने में बोलने में बड़ा कंट्रोल, ये हो जाएगा बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद सवेरे सवेरे पानी पीना चाहिए, पानी नहीं पीते छोटा सा काम है, सरल सा प्रयोग है, ये लोगों को बताना चाहिए। सवेरे उठ करके उषा पान करो, ऋषि मुनि करते थे, आठ अंगुली जल पीते थे, माने छोटा बच्चा है तो उसकी इंद्री छोटी होगी, बड़ा होगा तो बड़ी होगी, है ना, तो अपने आप नापी होगा कितना बढ़िया सही है। ऋषियों के पास सब कुछ था, बिना साधनों के सब कुछ था, और आजकल हम सब साधन का प्रचार करते हैं, जिम में जाओ, जिम में जाओ, जिम में जाओ, वहाँ साधन चाहिए, तो इसका अलग साधन, इसका अलग साधन, इसका अलग साधन, वो साधन इकट्ठे करते रहो और उसको मेंटेन करते रहो, उसका बिजनेस चलता रहे। काय को साधन, आसन करो ना, आसन सारे आसन करो, इतना सब कुछ हो जाता है बिना साधन, हमारा बिना साधन का ही सब कुछ होता है। कहाँ से ये साधन वाला चक्कर आ गया, जहाँ भी जरूरत नहीं जरूरत ही साधनों को भर रहे, समस्याएं बढ़ती जाती है उससे। तो इसमें ये साधनों को थोड़ा रिड्यूस कर लें, सवेरे पानी पीने का काम होना चाहिए, ठीक है, पानी पी लें, और फिर देखिएगा कई प्रकार की बीमारियां दूर रहेंगी, ये काम करना चाहिए। खान पान में क्या है, गुरुदेव कहते थे जितना हो सके उसको नेचुरल फॉर्म में लें, ठीक है, सलाद का यहाँ प्रचलन अच्छा है, आप लोग भी लेते हैं, इतना ज़्यादा मजा ना, अरे मजा ना आए तो भी उसको नहीं,
क्योंकि वो अच्छा है, अच्छा इसलिए लेना है, फाइबर है, ठीक है, सारे उसमें विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, अच्छा है इसको लीजिए, ठीक है। वो क्या है कि ज़्यादा तेल वाला ही ज़्यादा, उसमें इतना प्रचलन है मेरी पतनाड़ा में, सब जगह हमने देखा कि बिना तेल की आइटम खोजना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होती है। और तेल जहाँ जरूरत है वहाँ थोड़ा कम से ही काम चला ले तो अच्छा है, दिखना नहीं चाहिए, बहुत दिखाते हैं इसमें, कहीं तो उसमें अलग से तैरता रहता है, फिर बाद में उसको हम अलग करते हैं लोग, मेरे ख्याल से कौन तेल पीता होगा वाला, और दिखाने के लिए डाला रहता है, तो इसको जितना अवॉइड कर सके अच्छा है, जितना जरूरत हो। ये छोटी छोटी ये कमियाँ हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हेल्थ के बारे में, तो सब मास्टर हैं, क्योंकि इतना ज्ञान यहाँ मिलता है, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको आप, और थोड़ा परिश्रम जरूर करो, तो परिश्रम में हमारे ऐसा है वो यहाँ तो अच्छा आप लोग मेहनत कर लेते हो, लेकिन कहीं कहीं हमारे समाज में ये है प्रथा कि माता ये सोचती है कि हमारी बच्ची को ऐसा घर मिले, ऐसा घर मिले कि जहाँ उसको कोई काम ना करे, बताओ ये भी कोई ऐसा काहे को श्राप दे रही है, वरदान देती है इतना काम करे, इतना काम करे कि उसको एक्सरसाइज ना करनी पड़े, ये सोचना चाहिए, बताओ। और ये उल्टी सोच है, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, और किसी ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, तो ये दुनिया बदल जाए, तो हम इतना दृष्टिकोण बदल लें, छोटी सी चीज है कि नजरिया बदल, अगर ये कर लेंगे कि बच्चों को वास्तव में बच्चों का हित चाहते हैं तो उसको सच्ची ट्रेनिंग दें, सच्ची दिशा दें, सच्चा मार्गदर्शन, उसको बचपन से ही लेबोरियस बनाए, उसको मेहनती बनाए, परिश्रमशील बनाए, ये सब करना चाहिए। आलस्य मनुष्य की प्रगति का प्रधान शत्रु है, उसको बताया जाना चाहिए। तो ये हो गया स्वास्थ्य के लिए। अब इसमें एक और चीज है, व्यस्त रहें और मस्त रहें, ठीक है ना, खूब बिजी रहें और मस्त भी रहें, दिवेल जो मॉडुल इंफ्रैक्शन जरूरी है। फिर उसके बाद बोलते हैं शनि ग्रह चढ़ी गयो मंगल आड़े आ रहा है, शनि ग्रह सबसे बड़ा शनि ग्रह है आलस्य, और दिवेल जो मॉडो इसीलिए फायर हो जाता है कंपनी में से, और इसीलिए उसकी दुकान नहीं चलती है। अगर वो मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, प्रसन्न रहे, हेलो हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऐसे करे, वो उसकी दुकान कितनी चलती है, क्योंकि उससे बात करना चाहिए प्यार से, और वो चढ़ाए हुए मनहूस जैसा चेहरा लटका हुआ है, किसी ने 50 जूते मारे हैं, ये सब गलत है, इसको गुरुदेव ने बताया, तो एक एक सूत्र है, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, तो ये है, ठीक है। और दूसरा कि मैदा, मैदा का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मैदा है पेट में चिपक जाता है, और जो रोटी का आटा है वो भी पतला है एकदम, महीन होता है एकदम, ऐसा नहीं, थोड़ा मोटा आटा यूज करें, अच्छा होता है, उसमें फाइबर होता है, चोकर सही आटा यूज हो तो अच्छा है। ब्रेड भी लें तो ब्रेड मैदे वाली ब्रेड मत लीजिए, होल व्हीट ब्रेड लीजिए, यहाँ 13 ग्रेन 7 ग्रेन अच्छी अच्छी ब्रेड मिलती है, उसका उपयोग करो, बढ़िया ब्रेड लाओ, कई लोग तो घर में बना लेते हैं, अच्छा है। और ये करिए। और दूसरा क्या है कि फलों का यहाँ भी अच्छा है, आप ऋतु के फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ ना, ऋतु के फल सस्ते भी मिलते हैं, अच्छे भी होते हैं, फाइबर भी होता है और विटामिन भी होते हैं, सब कुछ होता है, ज़्यादा फलों का सेवन, ये सब, ये हो गया स्वास्थ्य आंदोलन। मॉर्निंग वॉक जरूर करना है, सवेरे सवेरे दौड़ लगाएं, 100 दवा और 1 हवा, आप दवाइयाँ खाते रहो कभी शरीर ठीक नहीं होगा, मॉर्निंग वॉक कीजिए, सब बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, अधिकांश 100 बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं, मॉर्निंग वॉक करो, है ना। यहाँ पर देखो कितने लोग दौड़ते रहते हैं, कितने हेल्दी रहते हैं, फिट फाट रहते हैं, और हमारे लोग ऐसे डोसी माँ जैसे बन जाते हैं, वो डोसी माँ छोटी सी वो पहन करके और दौड़ती हैं, अरे उसको देख करके सोचो कि भाई कम से कम दौड़ो तो सही, वस्त्र तो हमारे अपने भारतीय अच्छे हैं, उसको पहन करके अपना दौड़ना चाहिए, दौड़ आगे ना, एक्सरसाइज करें, योगा करें, आसन करें, योगा में आते हैं 4 आदमी आते हैं, मेरे को यहाँ पर बोले इतना बड़ा हॉल है,
आपको योगा कराना है, योगा कराए चार आदमी है उसको, अरे पूरा भर जाना चाहिए, अरे सबको अंदर से होना चाहिए, हम योगा करेंगे। आसन में शंकर बोले भाई क्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सीख के आते हैं, वैसा योगा कराते हैं, सीखना चाहिए तो करें हम लोग, ठीक है। एक काम ये हो गया, और दूसरा आंदोलन है वो है बहुत लंबा है स्वास्थ्य वाला, शिक्षा आंदोलन, पढ़ाई लिखाई पढ़ना चाहिए, इसको कैसे करेंगे आप। अभी भारत में इतनी सब लोग चिंता करते हैं, भारत की ऐसी हमारी की पॉलिटिक्स ऐसी कर रही है वैसी कर रही है, इंडिया का क्या होगा, भारत का क्या होगा। भारत का तब तक ये होता रहेगा जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक शिक्षा का विस्तार नहीं होगा। इसलिए गुरु जी ने कहा गरीबी और अशिक्षा दोनों सगी बहने, जहाँ अशिक्षा होगी वहाँ गरीबी होगी, जहाँ गरीबी होगी वहाँ अशिक्षा होगी। तो शिक्षा का विस्तार करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। पढ़ें लिखें लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जब पढ़ेंगे तो कम से कम अपना हित सोच सकते हैं, फिर वो वोट देंगे ना तो सोच समझ के देंगे, ऐसे किसी को भी वोट नहीं देंगे, ठीक है। ये है कि हम अपना इसमें शिक्षा के लिए कैसे गति देंगे। एक तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करती है प्रयास, तो उसके भरोसे ही बैठे थोड़ी रहेंगे। गवर्नमेंट तो ये है, उसमें कई ऐसी पार्टियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि भाई अगर हमने इनको पढ़ा दिया तो फिर ये वोट नहीं देंगे हमको, और फिर हम उसको जैसे एक दारू की बोतल दे दें एक वोट मिल जाता है, 100 रुपया देते हैं तो वोट मिल जाता है, फिर नहीं मिलेगा। तो वो काय को पढ़ाएंगे, तो ज़्यादा इंटरेस्ट काय को दिखाएंगे उसमें, क्यों। बजट तो होता है, बजट लगा देते हैं, वो बजट काय में लगता है ये पता नहीं चलता, वो बजट पैसा साफ हो जाता है लेकिन वो काम कहीं पर भी दिखाई पड़ता नहीं। उसमें कागज में आ जाएगा कि स्कूल बना दिया, फिर बाद में दूसरे कागज में वहाँ आ जाता है कि स्कूल बह गया पानी में, तो पैसा कहाँ चला गया, वो अपनी जगह उसने ले ली, है ना। ये सब होता है, क्यों होता है ऐसा, क्यों करप्शन होता है, क्यों भ्रष्टाचार होता है, क्यों ये समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि अशिक्षा है। और शिक्षा होती है तो आदमी अपनी समस्या का खुद समाधान लेना सीखने लगता है धीरे 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 धीरे, एक एक करके सॉल्यूशन उसको मिलने लगता है। अब देखिए कोई भिखारी हो, उसको बोलो कि आप कितने पढ़े लिखे हो भाई, आप डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं कि साइंटिस्ट हैं, आप क्या हैं, अरे भैया काय को मजाक ला रहे, अगर हम पढ़े लिखे होते तो काय को भीख मांगते। अशिक्षा और गरीबी दोनों सभी हैं, इसलिए पढ़ाना चाहिए। शांति को से इस आंदोलन को बहुत ऊंचे स्तर पर गति दे रहे हैं ना, परम आदरणीय डॉक्टर साहब अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा के विस्तार का कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन का वो क्रम चल रहा है, फिर उसके बाद नए नए महाविद्यालय खुल रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक शाखा राजनांदगांव में भी अब खुल गई है ना, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। इस तरह से हर जगह ये कार्य और बढ़ेगा, तो ऐसे कार्यों को गति देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इसके माध्यम से शिक्षा का विस्तार ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, ठीक है। और उसको हम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यदि कटिबद्ध हो जाएं तो काम बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा मिल करके मिलजुल करके। कई लोगों ने इसके लिए बड़ा अच्छा सहयोग दिया है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए चलो भाई एक साल का हमारी ओर से लिख लो, अलकनाड़ा में थे तो वहाँ कई लोग तैयार हो गए तैयार, बोले एक साल का हमारी ओर से ये इसका बच्चे की पढ़ाई का खर्च देंगे, लगभग $500 के करीब होता है। और इसी तरह से जैसे 5 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तो उसमें तो लगभग एक लाख रुपया लगता है, इंडियन रुपीज उसका गुणा कर लो कितना होगा अपना डॉलर, तो उसमें एक बच्चा उसमें कर लेगा। तो थोड़ा हम अपनी थोड़ा उसको कम करके इसको बढ़ा दें तो हो सकता है अपनी ज़रूरतों को, फालतू की ज़रूरतें बाय वन गेट वन फ्री जहाँ मिल गया है बस पहुँच गए, अपना वॉलमार्ट में चले गए, वहाँ प्रोग्राम में पहुँच गए, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, वो होम
डिपो में गए, वहाँ पर जरूरत नहीं था, उठा के ले आए, दो कलर के ज़्यादा बॉक्स ले आए, वो भर दिया, क्यों? अरे नहीं मालूम, बाद में इतना सस्ता मिल रहा है, फिर मिलेगा नहीं, इतना जमा हो जाता है घर में, डंप कर दो और फिर गैराज सेल करेंगे, और गैराज सेल में वो पूरा निकालते उसको, ये उसमें नई नई चीज़ें होती है, हमने देखा जमी भाई उसको निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, बोले बहुत जमा हो गया, जगह नहीं है घर में रखने की, क्योंकि अभी और लाना है बाय वन गेट वन फ्री, तो इस चक्कर में पड़े हुए, जितना जरूरत है उतना करो, बिना मतलब का। तो ये सब है, हम अपना बचाएं तो उधर लगाएं, ठीक है, ये काम। अब शिक्षा के आंदोलन में एक तो ये है कि गुरुदेव तो रात्रि शिक्षा, रात्रि पाठशाला है, नाइट की स्कूल वगैरह ये सब, और बाल बच्चों के बाल मंदिर वगैरह ये सब इसके अलग अलग प्रोजेक्ट उसके हैं, जिससे कि प्राइमरी एजुकेशन है, फिर हायर एजुकेशन है, फिर महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष रूप से हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में रात्रि पाठशाला है, जिनको दिन में काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता तो रात को उसको कर लेते, तो इस तरह से ये प्रौढ़ शिक्षा, जो बड़े हो गए, पहले बच्चे थे तो उत्साह था, अब प्रौढ़ हो गए तो चलो तो भी उसको एनकरेज किया जाए कि आप पढ़ो लिखो, थोड़ा सा सीख लो, पढ़ना लिखना तो कम से कम सीख लो, ये सब करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि उनको कुछ शिक्षण दिया जाए, शांति कुंज में आपको मालूम है कई प्रकार का शिक्षण दिया जाता है जिससे वो स्वावलंबी हो जाए, तो उसके लिए स्वावलंबन आंदोलन चालू किया जा रहा है, ये भी हमारा सप्त आंदोलन में लिया है, कुटीर उद्योगों का शिक्षण लोगों को दिया, कि आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कि अपनी कमाई खुद कर लेना, किसी के भरोसे क्यों रहे। अच्छा, महिलाएं होती हैं वो कभी कभी अर्निंग नहीं होती है, तो क्या है कि पुरुष पर पूरी तरह से वो डिपेंड रहती है, तो क्या है कि उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है जरूरी खर्चे के लिए, कभी क्या है पति दारू बहुत पी जाता है, वो पीते रहता है, ऐसी बुराई रहती है, लत रहती है, अब उसको सफ़र किसको करना पड़ता है, गृहिणी को सफ़र करना पड़ता है, बहन को, है ना, माता को सफ़र करना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, घर की व्यवस्था भी करनी है, कितनी दिक्कत होती है, तो ऐसे में कुटीर उद्योग का शिक्षण, सभी लोग थोड़ा कुटीर उद्योग करें तो थोड़ी अर्निंग हो तो घर की व्यवस्था अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारे कई भारत के कई भागों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहाँ महिलाएँ ही सब कुछ हैंडल कर लेती हैं काफ़ी कुछ, तो उससे क्या है परिवार की व्यवस्था सारी ठीक होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब कुछ सही संतुलित हो जाता है, फिर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं अच्छे से, तो उनको भी फिर वो गाइडेंस भी मिल गया, आगे चल करके वो जो कमियां थी बुराइयां थी वो अपने आप छटने भी लगती हैं, अगर अच्छे संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाए, संस्कार जरूरी है, साथ में बच्चों को शिक्षा केवल ना डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, ये तो बने लेकिन इंसान बना ही नहीं, उसको ध्यान दिया जाए, आदमी बने, उसको आदमी बनाना, अच्छा इंसान बनाना, ये बहुत जरूरी है, ये दिमाग में से निकल जाता है कभी कभी, हाँ बेटा तू तेरे को तो डॉक्टर बनना है, एक तो थोप दिया ऊपर से डॉक्टर और लगा हुआ है गधा बन करके, और बनता गया डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा बना जो पेड़ को पेट को फाड़ दे और बोले इतना पैसा निकालो, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 भी तो तुम्हारा सिरूंगा ही नहीं वापस, तो ऐसे डॉक्टर से क्या फायदा होगा, ये तो पाप के भागीदार हम लोग बन रहे हैं, ऐसा नहीं, इंसान जरूर बने। डॉक्टर राधाकृष्णन जी बार बार कहते थे कि आज के इंसान ने पक्षी की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है, आज के इंसान ने पक्षी की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है, आज के इंसान ने मछली की तरह समुद्र में तैरना भी सीख लिया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस मनुष्य का कि उसको धरती पर चलना नहीं सीख पाया। अरे भाई इंसान तो बने ये जरूरी है। एक बार संत इमर्सन लालटेन लेकर के निकले दोपहर में, इतनी कड़ी धूप थी, प्रचंड धूप, इतना प्रकाश फैला हुआ था, लो बो तड़को अने एमा लालटेन लेकर निकले। अरे महाराज की लालटेन जल रहा है आपका, इंडिया में कभी कभी ऐसा होता है, वो कार चलाते हुए जाते हैं, यहाँ तो कार में लाइट जलती रहती है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, दिन में लाइट बंद रहती है ना, तो कोई एक कार ऐसे उसमें लाइट जलती है, लाइट तुरंत उसको वो ऑफ करते, क्योंकि ग्लास तो खुला रहता है ना, सुनाई पड़ता है, लाइट बोला तो उसको पता चल गया
कि लाइट जल रही है उसको ऑफ करें। तो कहा महाराज जी, आप लालटेन लेकर निकले हो, इतनी बड़ी इतनी धूप है, इसमें लालटेन इतना जलाने की क्या जरूरत है, इतना प्रकाश फैला हुआ है। उसने कहा कि मैं इंसान को ढूंढने चला हूँ, शायद सूर्य का प्रकाश कुछ कम पड़ रहा होगा, इसलिए मैंने ये लालटेन भी जला लिया है ताकि मुझे कोई इंसान दिख जाए। तो इंसान का अकाल पड़ गया है। डॉक्टर इंजीनियर तो ढेर हो रहे हैं, लेकिन वो भले बने, पढ़े लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान जरूर बने, ये ध्यान रखना है। ये हमारा महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू है। तो एक तो शिक्षा बढ़े, फिर स्वावलंबन, हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सीखे, उसको शिक्षण मिलना चाहिए। अपने शांति कुंज में भी शिक्षण की व्यवस्था की गई है, 25 प्रकार के उद्योग महीने भर में सिखा देते हैं, एक महीने में सिखा देते हैं। तो उसमें कोई ना कोई वो प्रयोग कर सकता है, अपने घर में जा कर के ना कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग कर सकता है। बहनें हैं वो कर सकती हैं, अचार बना सकती हैं, वो बना सकती हैं, पापड़ बना सकती हैं, वो सबकी सबका शिक्षण है। स्क्रीन प्रिंटिंग है, प्लास्टिक मोल्डिंग है, सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, उसमें से कोई भी सीख करके दो पैसे कमा सकता है और गुजरान चला सकता है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है और इससे काफ़ी लोगों ने लाभ उठाया है। बेकरी उद्योग से तो कई लोग इतना पैसा कमा चुके हैं कि बड़ा अच्छा, कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कुटीर उद्योगों में क्या है, खुद अगर आगे बढ़ता जाएगा तो कई लोगों को रोजगार भी देगा। अच्छा, उसको ये भी पता है, शिक्षण दे दिया, फिर उसके रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, फिर उसको काम को कैसे आगे बढ़ाना है, सब कुछ मार्केट वगैरह की सारी जानकारी दी जाती है। तो इस तरह से गांव-गांव में ये हमारे कुटीर उद्योग चले। फिर उसके बाद अगला जो है पर्यावरण आंदोलन, इसमें वृक्षारोपण, हमारे वेस्टर्न ओंटारियो में हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये भाई लोग सब मिल करके, सोनिया बहन है, सब लोग मिल करके इतना अच्छा वृक्षारोपण था, बच्चों के अंदर वो चीज़ें डालते हैं, जहाँ 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 वृक्षारोपण वहाँ वृक्षारोपण। हम हर जगह हरियाली जितनी बढ़ा सकें तो पर्यावरण का संतुलन बैठे और पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे, इस तरह से कोई भी कार्य न करें जिससे पर्यावरण हमारा किसी तरह से उसकी हानि हो, उसको बढ़ाएं। ठीक है, नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उसको हम ख़त्म न करें, उसको बर्बाद न करें, उसका ध्यान रखें। जो हमारा गार्बेज का जो यहाँ पर सिस्टम है उसको भी हमको महत्व देना चाहिए। ठीक है, कहीं भी कुछ भी किसी में डालना, जो अलग अलग करके डालते हैं, शांति कुंज में भी चालू कर दिया गया है। ठीक है, कि सड़ने वाला कचरा, ये नहीं सड़ने वाला कचरा, ये रिसाइकल वाला है, ये वो है। तो ये सब चीज़ें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए और गाड़ियाँ कम चले उतना अच्छा रहता है, ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ तो सरकार समझ गई है, तो उसमें क्या है कि एक आदमी से ज़्यादा कार में बैठेंगे तो अलग रोड मिलता है, अलग लाइन में चला भागेंगे गाड़ी आपकी बम बम कर, गाय को अकेले जरा मिल के जाओ ना चार पाँच लोग। तो ये देखो कि एक ही कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो चार आदमी बैठ के जाओ, ये ठीक है। तो इस तरह से हरी सीमा संवर्धन, फिर व्यसन मुक्ति आंदोलन, इसके लिए लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। अरे ये बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, फिर उसके बाद गुटखा, तंबाकू, इनको समझाना पड़ेगा, जल्दी मरने की उतावली ना करें। गुरुजी ने बुक लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी है ना, नशे के निवारण के लिए लोगों को समझाइए। हमने काफ़ी लोगों को समझाया लेकिन बड़ा कठिन होता है, ये तो आप लोगों ने भी शायद सोचा होगा। कई लोग बोलते हैं कि भाई, मैंने कहा कि भाई ये आप काहे को ये सिगरेट पीते हो, इससे कैंसर हो जाता है। बोले एक दिन तो मरना ही है। अरे एक दिन मरना इतनी जल्दी क्या है, मरना है तो रेलगाड़ी का जो पटरी है उसमें सो जाओ, फास्ट है, क्विक हो जाएगी सर्विस। नहीं, ये नहीं, स्लो पॉइजन, अरे इतना जल्दी मत करो। और दूसरा कहा कि ये तंबाकू खा रहे हो, गधा भी नहीं खाता है। बोले जो गधे होते हैं वही नहीं खाते। समझना बड़ा मुश्किल है। हमने कहा कि ये आप भांग पी रहे हो, भांग नहीं पीना चाहिए, देखो भांग नशा होता है। नहीं, शंकर भगवान पीते थे ना, आज शिवरात्रि है इसलिए प्रसाद। अरे शंकर भगवान जहर भी पीते थे, एक एक चम्मच पी जाओ मजा आ जाएगा। वो नहीं करेंगे, देखा देखी शंकर भगवान कभी नहीं, और वास्तव में कहाँ पर बैठे हैं। तो ये सब ध्यान देना है। फिर कुरीति उन्मूलन, जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, मृतक भोजन, मरने के बाद लोगों
तो खाना खिलाना ही पड़ेगा, इसलिए पूरे गांव को खिलाओ, ये सब वहाँ भारत की परिस्थितियों में ये सब ठीक नहीं है। तो उसने उसको भी कहा है मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जाए। फिर उसके बाद खर्चीली शादियाँ, खर्चीली शादियाँ मनुष्य को दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। कोई एक ने कहा कि हम बच्चे का शादी कर रहे हैं तो हमें एक ही एक लड़का है तो हमको खर्च करना है, बढ़िया एरोप्लेन में शादी करें। तो एरोप्लेन में 250-300 आदमी बैठे हुए हैं, घूम रहा है जब तक पंडित जी करा रहे हैं शादी, 3 घंटे तक घूम रहा है, करोड़ों रुपए का फूंक दिया, अरे बाबा इतने में तो यूनिवर्सिटी खोल देते थे। तो ये सब फिजूल खर्ची को बंद करना चाहिए, ठीक है। और दहेज प्रथा, दहेज के कारण कितना आतंक मचा हुआ है, इस दहेज के दानों के विपरीत भी विरुद्ध भी हमको अभियान चलाना है। फिर भिक्षावृत्ति, छोटे मोटे काम करो, भीख मांगना मत करो, कोई भीख ना मांगो। कितना दान किया ये महत्वपूर्ण नहीं होता, किस प्रयोजन के लिए, किसके हाथ में सौंप रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसको ध्यान में रखकर ही दान करना चाहिए। और श्रम की महत्ता बनाए, भीख ना दें किसी को, उसको बोलो काम नहीं है तो गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो 5 का 10 दे दो, लो हाँ अब तो काम घटक होती है, अब उसको बंद कर दो, ले जाओ 5 का 10 और, उसको यही काम कराओ, लेकिन काम करो तो मिलेगा, मुफ्त में नहीं देंगे, मुफ्त में काय को देते, वो भिखारी बढ़ते जाते हैं। जहाँ देखो अब सब मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, वो बता देते हैं खाना आ रहा है जन्म, और बच्चे की शादी में 4-4 लाख रुपया खर्चा करते हैं। ये भिखारी गलत, उन्होंने इसको गलत व्यवसाय बना लिया है, इसको प्रोत्साहन नहीं दें। फिर जेवर, ज्यादा जेवर नहीं पहने, अभी तो जन्म शताब्दी उसमें लगा दीजिए जितना हो सके। हाँ गुरुदेव माता जी ने इतना समर्पण इतना लगा दिया समाज के लिए, हमारे पास जो एक्स्ट्रा है उसको लगाएं। अंधविश्वास, पाखंड, ये सब इसको भी उन्मूलन करना है पूरी चीज में। अनमेल विवाह, फिजुल खर्ची, ठीक है, फालतू के और गंदे चित्र, कुहड़ गीत, फिल्म में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे भैंस को डंडा क्यों मारा, ये सब नहीं। अच्छे अच्छे प्रज्ञा गीत सुनो और गाओ, हैं, एक दिन ही जी मगर इंसान मन कर जी। फिर नारी जागो, देवियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाए। बहनों को जल्दी पहले बदलना, गुरु जी ने कहा है बहनें बदल जाएँ तो भाई ऐसे करके बदल जाएंगे, उनके हाथ में है चाबी। देवियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाए अगर हर हृदय ही मचल चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर पति स्वयं ही बदलता। इसलिए बहनों को पहल करनी पड़ेगी, जहां बदलने की, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। सब लोग ब्लेम करते रहे सुधरते ही नहीं, अरे मानते ही नहीं है, तो अगर सब लोग सुधर जाए तो हम सुधरने को तैयार है, इसका मतलब क्या है? जब सब सुधर जाएंगे तब हम आखिरी बिगड़े बनेंगे। अरे शुरुआत अपने से करें ना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, और ये बहनों को करना पड़ेगा। लेकिन बहनें सोई नहीं, बहुत सो चुकी, अब तो जागो हे नारी कलिकाएं, है ना, अब जागो भाई। बहनों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, काफ़ी जानती हैं, जागृत हैं। 21वीं सदी में बहनों को ही ये सारा नेतृत्व करना है हर फील्ड में। इसका मतलब ये नहीं उसको पीछे करके ऐसे करके, ना ऐसे नहीं, सबको आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, तालमेल बिठाते हुए और एक दूसरे का सम्मान का ध्यान रखते हुए। जब उसको पीछे करके आगे बढ़ते हैं ना तो उसमें सब गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, ऐसे नहीं को आज साथ लेकर। ओम शांति शांति शांति, सभी को नमस्कार।